अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे तुम शांत हो जाओ, ये लो पानी पियो। अगर तुम ऐसे गुस्सा करोगे तो तुम्हारी सांस फूलने लगेगी। अग्नि, ये लो तुम पानी पियो। नहीं पीना मुझे पानी, दबाओ तुम यहां से। अग्नि, क्या बर्ताव है? मेरे ऊपर मत चिल्लाना, इसे समझो इसे। और रोहित तुम नर्स हो ना, नर्स बन के रहो। हर बार मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में आने की जरूरत नहीं है तुमको। देखो अग्नि, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ रही हूँ, और मैं एक नर्स के नाते ही तुम्हें समझा रही हूँ। अग्नि प्लीज शांत हो जाओ। हाँ, पकड़ लो मुझे। रोहित, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे भले के लिए बोल रही है रूही, और तुम्हारी जिंदगी खत्म ही नहीं हो रही है। हाँ तो क्यों बोल रही है मेरे भले के लिए? होती कौन है ये? इसको हमारे झगड़े के बीच में आना जरूरी है। अब तुमसे लड़ने के लिए मुझे इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। ये मुझे हमारे रिश्ते के बारे में बताएगी अनहार? इसे अभी के अभी यहां से भाग जाओ, निकालो इसे बाहर। हम दोनों के बीच में मुझे कोई बाहर वाला नहीं चाहिए। नार, निकालो इसे। रूही कहीं नहीं जाएगी। अग्नि, पहले अपने बर्ताव के लिए रूही से माफी मांगो, फिर रूही यहां से जाएगी। सीरियसली नहर, तुम एक नर्स के लिए मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो? 3 सालों में तुम कितना बदल गए नहर? इससे तो अच्छा मैं पागल ही थी। अग्नि, मेरी बात सुनो, जिद मत करो, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे, खुद को संभालो। अग्नि, हर बार खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी नहीं दे सकती तुम। पिछली बार भी यही किया था तुमने। अग्नि, मैं बात करूं? इस बार ना मैं बहुत सीरियस हूँ, और अगर तुमने बात नहीं की ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ तो क्या करूँ? जब से मैं होश में आई हूँ, तुम मुझे मेरे नहर लगते ही नहीं हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझसे दूर जा रहे हो नहर। अग्नि, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हमने देखा है नहार को, तुम्हारे लिए तड़पते हुए, रोते हुए, पछताते हुए। हमसे पूछो, तुम्हारे जाने के बाद एक एक दिन कैसे बिताया है नहार ने?
सिर्फ सांस ले रहा था, जीना छोड़ दिया था उसने, मुस्कुराना छोड़ दिया था उसने, जिंदा लाश बन गया था वो। अग्नि जिद छोड़ो, तुम लोग बाहर घूमने जाने वाले थे ना, जाओ घूम कर आओ, ये बेकार की बातों में मत लड़ो। देखो पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका है, अब झगड़ा बंद करो और जाओ। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो चलते हैं। पर अब हम लोग जाएंगे कहाँ? जब तक हम लोग जाएंगे सब बंद हो चुका होगा। अग्नि अगर आप लोग चाहो तो आइसक्रीम पार्लर जा सकते हो, वो अभी खुला होगा और आप दोनों का मूड भी अच्छा हो जाएगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अब तुम दोनों झगड़ा बंद करो और जाओ यहाँ से। नाहर, I'm really sorry, नाहर। मैंने हमेशा की तरह कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर दिया, पर मुझे पता है जैसे तुम हर बार मुझे माफ कर देते हो ना, इस बार भी कर दोगे। मैं माफ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें किसी और को सॉरी बोलना होगा। ये तुम्हें भी पता है, तुमने रूही के साथ गलत किया। कोई बात नहीं नाहर जी, इट्स ओके। अग्नि नहीं रूही, मैंने हर बार की तरह गुस्से में इस बार फिर बहुत ओवर रिएक्ट किया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके अग्नि। नाहर अब तो तुम खुश हो ना? चले अब, एक सेकेंड, चलते हैं। देखा रूही, आज फिर तुम्हारे परिवार की वजह से अग्नि और नाहर के बीच दूरी बढ़ने वाली थी। तुम जब तक यहां रहोगी ये दिक्कत होती रहेगी, इसलिए कह रहे हो रूही सही मौका देखकर अपने दादाजी को सब सच बता दो। प्रतीक के पापा चलिए ना, जल्दी चलिए, जूही को चोट लग गई है। दादू, दादू आप आ गए? बेटा हम लोग तो आ गए, लेकिन तुम्हारी चोट कैसी है, कहाँ लगी चोट? बहुत तेज चोट लग गई थी दादू के हाथ में। हाथ में चोट लगी है, लेकिन अभी भी तुम इसी हाथ से तो आइसक्रीम खा रही थी। दादू वो क्या है ना, वो चोट तो बस ऐसी लग गई, मगर दर्द बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने दादी को फोन कर दिया, पर मैंने आइसक्रीम खाई ना तो अब थोड़ा ठीक है। जरा सी चोट लगी तुम्हें जूही, और फोन करके मार तबाही मचा दी तुमने। पता है तुम्हारे दादू को खींच कर लाई हूं मैं रूही के घर से। सॉरी दादू। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसी छोटी मोटी चोट को सहना सीखो। तुम्हें पता है तुम्हारी ये चोट की वजह से मैं वहां पे रूही से ठीक से दो मिनट बात भी नहीं कर पाया। ये तो प्रतीक के पापा, फिर कोई तीज त्योहार आएगा मिल लीजिएगा तब। सुनिए मैं ना आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, चुपचाप पीकर सो जाइएगा। सुनिए अब प्लीज ना भागिएगा मत, क्योंकि इस उम्र में आपके पीछे पीछे भागू यही काम नहीं रह गया है मेरा, इसलिए दूध पीजिए और चुपचाप सो जाइए, मैं लेकर आती हूँ। अब चलिए जाइए, अपना ख्याल रखो बेटा। और सुनिए कपड़े बदल लीजिएगा, रखे हैं पलंग पे। हर बार बच गए आज। वो तो अच्छा हुआ जो कंपनी वालों का फोन आ गया, और मैंने जट से उठाकर कहा जूही को चोट लग गई है, तब लेकर आ पाई तेरे दादू को, वरना आज तो नर्थी हो जाता।
देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।